उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही मुठभेड़ में जहां पुलिस बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है, वहीं बदमाश भी अब अपनी जान बचाने के लिए अपने आप को पुलिस के हवाले कर रहे हैं। जहां कुछ दिन पहले एक बदमाश ने एनकाउंटर के डर से अपने आप को पुलिस के हवाले किया था, वहीं आज फिर तीन युवकों ने कोतवाली चरथावल पहुंचकर अपराध से तौबा करने की कसम खाई है। आपको बता दें कि यह तीनों नसीम मुबारक और एहसान नाम के युवक थाने के हिस्ट्री शीटर रह चुके हैं, साथ ही साथ लूट चोरी और गोकसी के मामले में भी जेल जा चुके हैं। वहीं तीनों बदमाशों ने ईमानदारी से पैसा कमाकर अपने घर परिवार का पालन पोषण करने का वादा किया और भविष्य में भी कोई भी आपराधिक वारदातों में शामिल नहीं रहेंगे। इसके बाद पुलिस ने तीनों को गाँव के जिम्मेदार लोगों को सुपुर्द कर दिया। मैं मुकदमे मेरे पास दो तीन उनकी वजह से यहाँ से आया भाई, पुलिस अपने आप आ गया। मैं यहाँ चल के जो पुलिस भाई मार धाड़ ना करे। हाँ डर बहुत है जी, अपराध से तौबा करते हैं। आगे कोई अपराध नहीं, नहीं कोई अपराध नहीं करें। चरथावल थाने में आया जी, पुलिस वाले ने फोन करा था, मैं चरथावल थाने आ गया। मुझे डर है भाई, मुकदमे में मुझे किसी में रखना था या गोली का लेना वाले अपराध से तौबा करना चाहता हूँ। हाँ जी अपराध से तौबा करना चाहता हूँ। मैं सही बिछाना चाहता हूँ, मैं सही जिंदगी बिछाना चाहता हूँ। बच्चे कोई भी काम नहीं गलत करने का। किस तरह के मुकदमे थे मेरे पर? दो तो लूट के थे जी और डंगन लगते हो गए कोसी के थे। तो वो अपराध से बिल्कुल तौबा, बिल्कुल तौबा करना चाहता हूँ। जो हमारे रिकॉर्ड के अनुसार पुराने लुटेरे डकैत होते हैं उनकी हिस्ट्री शीट खुली होती है, इनका सत्यापन किया गया। अगर ये वर्तमान में कोई अपराध नहीं कर रहे हैं तो इनको थाने में अटेंडेंस देनी होगी, ऐसा इन्हें निर्देशित किया गया है। और जो हमें नहीं मिल रहा है और सक्रिय है उसके खिलाफ़ कार्रवाई हम लोग करेंगे। इसी क्रम में हम लोग इनकी चेकिंग करते हैं तो जो सही चल रहे हैं, जो पुराने दागी हैं, अपराधी हैं, वो स्वयं थाने आते हैं और बताते हैं कि साहब अब मैं कोई अपराध नहीं कर रहा हूं। और हमें पुलिस को सहयोग करने का भरोसा देके अटेंडेंस देकर यहाँ पर जाते हैं। और अब लगभग इनको बताया गया कि हर रविवार को ये लोग आएंगे, इनसे हमें सहयोग की भी अपेक्षा है। पूरा मौका दिया जाएगा, इन्होंने जो भी अपने कार्यकाल में अपराध किया है अगर उससे ये गुनाह से तौबा कर रहे हैं तो इनको अनावश्यक किसी झूठे अपराध में जेल नहीं भेजा जाएगा। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दीपक वस्त की रिपोर्ट।